नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल ग्रामीण डाक सेवक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे विश्वसनीय चैनल। यहाँ पर जब भी बड़े भारी वैकेंसीज आती है, बड़े मात्रा में वैकेंसीज आती है, उसके बारे में भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। कुछ एक डेढ़ महीने पहले हमने भी दिया था, जब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है, काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है इंडिया पोस्ट यानी डिपार्टमेंट पोस्ट में। और आपको बताएं दोस्तों, ये जो वेतन का शुरू होता है, वो वेतन होता है 35,000 से शुरुआत होती है। काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है और डायरेक्ट इसका प्रमोशन लेके ऑफिसर लेवल में जा सकते हैं। तो आपको अभी बता दें कि इसका सिलेबस के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, क्योंकि अप्लाई ऑनलाइन ख़त्म हो चुका है पिछले महीने। अभी जो है आपकी तैयारी का समय शुरू हो चुका है। आपको बता दें, ये जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है और सभी राज्य के करते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब भी GDS से पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं, तो उसमें जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ईजी होता है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उनका जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा लोगों से नहीं होता, सिर्फ डिवीज़न वाइज होते हैं। अगर देखा जाए, अगर डिवीज़न में सिर्फ 20 लोग हैं, तो आपका कंपटीशन 20 लोग से ही होगा। GDS पास हो जाता है तो उसे ये नौकरी दी जाती है पोस्टल असिस्टेंट, जिसके लिए उनको 5 साल काम करना ज़रूरी है। तो अगर आप GDS एप्लीकेंट है, आपने भर रखा है फॉर्म, रिजल्ट नहीं आया, या फिर आप अगर आप भर्ती भी हो चुके हैं GDS में, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं NOC के साथ। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, जो साइकिल 2 का वेट कर रहा है, वो ये जब एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। जल्दी से सिलेबस आपको बता देते हैं, आप वीडियो को जो है पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको जो है बेसिकली बता देते हैं, 3 फेज में होता है एग्ज़ाम, Tier 1, Tier 2 और Tier 3 में। और जो Tier 1 एग्ज़ाम होता है, वो होता है जनरल इंटेलिजेंस का यानी रीजनिंग का। हम इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, जिससे आप एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, चाहे आप GDS में अभी भर्ती हो चुके हैं और GDS के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं या नॉर्मली एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप वो 4-5 बुक है, वो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है और आप इजीली पास हो सकते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है दोस्तों, वो होता है जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश में नॉर्मल चीज़ें आते हैं, जैसे कि स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह। इसके बारे में आपको ये जो स्क्रीन शॉट है उसको ले लेना है और आपको इस हिसाब से पढ़ाई करनी है। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो नहीं होगा, स्पेसिफिक कुछ चीज़ें SSC की, वो सारी आपको पढ़नी है। थर्ड आता है मैथ्स में यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें जो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें आएंगी। और सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के साथ साथ जनरल साइंस भी आता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी आता है और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप द हिंदू को प्रेफर कर सकते हैं, हर रोज़ के स्तर पर पढ़िए तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और ऐप भी है कई सारे, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया Paper 1 का, जो कि मेन है। अगर आप ये पास हो जाते हैं तो आपको बैठने को मिलेगा Tier 2 में। जो Tier 2 होता है दोस्तों, वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसको लिखना पड़ता है दोस्तों, उसमें ऑब्जेक्टिव टिक नहीं मारना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है, कंप्यूटर पे नहीं होगा और यहाँ पे लिखना होता है। और ये जो होता है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो होता है 33%, ठीक है। अगर इसमें भी आप पास हो जाते हैं यानी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो लास्ट जो टियर 3 है वो है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट करने के बाद हम आपको बताएं, ये जो एग्ज़ाम है आपको डायरेक्ट उस लेवल में पहुंचा देगा जहां पे आप अगर GDS में भर्ती होंगे तो आपको 5 साल लगेंगे। फ़र्क इतना है, इधर आपका ऑल इंडिया के साथ जो है कंपटीशन होगा तो टफ हो जाएगा, और जब आप GDS में भर्ती होंगे और 5 साल का एक्सपीरियंस होगा आपके साथ, तो एग्ज़ाम का पेपर भी ईजी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी और जो कंपटीशन होगा वो जो होगा सिर्फ केवल कुछ चुनिंदा लोगों से होगा। जो और आपको बता दें, इसमें जो सिलेक्शन होता है उन्हीं का होता है जो प्रिपरेशन करते हैं। बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम में बैठने से कभी नहीं होगा, जो कि ज़्यादातर GDS यहाँ पे करते हैं और जो कि देखा गया है। अब आपको बताते हैं कौन कौन सी बुक हमें प्रेफर करनी है। इसके लिए एक थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए। सेकेंड पार्ट में 4-5 बुक है जो आपके लिए नेसेसरी है 100% सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों, इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।